गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, जिया एंड वड़कम, पखेर रागले एंड अस्सलाम विस्ता। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो के यूट्यूब पे पैसे कमाते हैं। यूट्यूब एक पैसे कमाने का भी जरिया है, इसलिए ज्यादातर लोग इसके पे आते हैं। लेकिन चंद सालों में यूट्यूब ने काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है इसके हवाले से और काफ़ी लोगों के चैनल भी ब्लॉक किए हैं। सो अब जो यूट्यूब की न्यू पॉलिसी आई है कि 4000 और मसलन 4000 घंटे पूरे होंगे या फिर 1000 सब्सक्राइबर होंगे देन ही उनका चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन होगी। सो ये आज काफ़ी लोगों ने इस पर तबसरा करे, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ और किस तरह आपको ये हेल्प हो सकती है इसकी मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा और टेक्निक्स भी बताऊंगा कि उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लाजमी उस क्राइटेरिया को मीट कर पाएंगे। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कैसे किए जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि ख़तरनाक एक वबा फैली हुई है कि यार ख़तरनाक तो नहीं कह सकते, मसला एक सिंपल वो उन्होंने किया हुआ है कि यार इसको करना ही है, मीट को करना, इस टारगेट को उन्होंने अचीव करना है। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं और कैसे अपने गोल हासिल कर सकते हैं। तो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, एक चैनल मैंने स्टार्ट किया वो मेरी स्ट्राइक हो गई, दूसरा किया बंद हो गया, तीसरा किया बंद हो गया, फिर मैंने एक चैनल स्टार्ट किया और मुझे यूट्यूब से उम्मीद में बिल्कुल खोने लगा था। लेकिन फिर मैंने रिएक्शन पे वीडियो बनाना शुरू की। किसके रिएक्शन पे? कोई भी अगर ट्रेलर आता था मैं उस पर रिएक्शन देता था और रिएक्शन 50% या 80% अपना कंटेंट हो और 20% अगर रिएक्शन का हो तो देन ओके। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने कहा मैं मार्केट कौन सी मार्केट है मैं जिसको हिट करूं। मैंने कहा अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं इंडियंस पे बनाऊं, इंडिया की सिटीज़ पे बनाऊं। मैंने इंडिया की सिटीज़ पे बनाना शुरू की और इंडिया के काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेरी वीडियो को शेयर किया, मेरी वीडियो को लाइक किया, मेरी वीडियो को देखा, जिसकी वजह से मैंने भी काफ़ी पैसे कमाए। ये नहीं है कि मैंने नहीं कमाए, मैंने उनको अपने व्यूज़ दिए, मैंने उनको अपने थॉट्स दिए। और बिलीव करें अगर आप रिएक्शन पे वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपकी वीडियो उस क्राइटेरिया पे मीट करेगी, उस क्राइटेरिया को टच करेगी। क्योंकि रिएक्शन की वीडियो आजकल हर कोई देखना चाहता है। अगर आप इंडियंस हैं तो आप पाकिस्तान की सिटीज़ पे बनाएं, पाकिस्तान की वीडियोस पे बनाएं, पाकिस्तान की थिंग्स पे बनाएं। मुझे पता है काफ़ी लोग नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर आप अपना चैनल बचाना चाहते हैं तो ये बेस्ट वे है और बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। या फिर आप किसी ट्रेलर पर बनाएं, ट्रेलर को काफ़ी लोग वॉच करते हैं, देखते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक पे, किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाएं, किसी भी अगर कोई फेमस है आप रुकें मत, आप बोलें जैसा मर्जी बोलें, बनाते जाएं आप अपनी वीडियो ताकि आपका चैनल बच सके। और मैं यही आपको बताना चाहता हूं, आप अगर कोई आपका यूट्यूब फ्रेंड है तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप उसको रिक्वेस्ट करें, वो आपको शेयर करेगा। अगर आपने 50,000 भी व्यूज़ गेन कर लिए और आपकी वीडियो इतनी अच्छी हो कि आपने 5 मिनट वो देख लें लोग 50,000, तो मैं कहता हूँ आपकी ढाई लाख हो गया, तो 2.5 लाख हो जाएगा तो सिंपली वो 4000 घंटे बन जाता है। लेकिन अगर आप इसी तरह करना चाहते हैं, आप हर रोज़ वीडियो अपलोड करें, आप हर रोज़ ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ें और वीडियो अपलोड करें, उससे आपके थोड़े थोड़े अगर एक भी वीडियो वायरल हुई तो आप बिल्कुल उस क्राइटेरिया को मीट कर देंगे। और अगर नहीं वायरल होती आप शेयर करें, आप फेसबुक पर शेयर करें, आप ट्विटर पर शेयर करें, आप और जो दूसरे सोर्सेस हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब पे शेयर करें ताकि आपकी वीडियो को वॉच करें लोग। व्यूज सिर्फ काउंट नहीं होंगे, आपका वॉच टाइम भी इसमें सबसे ज़्यादा काउंट होगा। सो प्लीज़ आप शेयर करें, आपने होप नहीं छोड़नी, आपने ये नहीं कहना कि यार मेरा चैनल तो क्या, ये बिल्कुल नहीं कहना, आपने होप नहीं छोड़नी, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, आपने डटे रहना, जमे रहना, आपने वीडियो अपलोड करते रहना है। और मैंने ये भी सुना है काफ़ी लोगों के चैनल बंद हो रहे हैं लेकिन उनका कॉपीराइट कंटेंट होता था। और मैं अगर आप कम्युनिटी टैब में हैं तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल, अगर कोई आपका दोस्त है जो ज़्यादा जिनके 10,000 सब्सक्राइबर हैं और वो कम्युनिटी टैब में है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आप उनको वीडियो शेयर करें और आपको बिल्कुल इससे हेल्प होगी, बिल्कुल आपको इससे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपका चैनल उस क्राइटेरिया पर मीट कर पाएगा। सो गाइस,
मैं आज आपको यही बताना चाहता था, रॉन्ग वे में आपने नहीं जाना, आपने किसी को कॉपीराइट नहीं करना, क्योंकि कॉपीराइट करके आप ये लगा देंगे तो आपका चैनल भी सस्पेंड हो सकता है, स्ट्राइक भी आ सकती है। कॉपीराइट कॉन्टैक्ट नहीं करना, कॉन्टेंट नहीं करना, अपना कॉन्टेंट यूज़ करना है, इससे आपको हेल्प भी होगी, इससे आपको मदद भी मिलेगी। ये मैं आपको आज बताना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प मिली हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें मेरी वीडियो को हर जगह, ताकि ये मैसेज फैले और वो आगे इनको ट्रांसफर करें। रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ब्लॉग बनाएं या फिर ब्लॉग बनाएं, ब्लॉग पे भी बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, लेकिन शेयर करें, ब्लॉग को शेयर करें, कोई भी अगर ट्रेंडिंग टॉपिक को बना दें, जो भी पकड़े बना दें। इंडिया में तो यार इतनी न्यूज़ है, इंडिया में, पाकिस्तान में इतनी न्यूज़ है, बांग्लादेश में न्यूज़ों से बड़ा हुआ है पूरा यार, पूरे मुल्क ही पकड़े, कोई मुल्क ही अगर वो इतनी खबरें हैं, लोग लग रही हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ और ही अगर पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, जो भी अब बनाते जाएँ। सो गाइज, अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सो थैंक यू गाइज़।